हाँ जी एक माता जी का प्रश्न है, माँ बाप का किया हुआ पाप कर्म और उसका फल बच्चों को मिलता है क्या? मिलता है या नहीं मिलता है? एक कहता है मिलता है, एक कहता है नहीं मिलता है। माँ बाप पाप कर्म करेंगे और बच्चे उस माहौल में रहेंगे, तो उस माहौल का असर बच्चों के ऊपर नहीं होगा है? होगा या नहीं होगा? तो जो माहौल का जो असर पड़ेगा बच्चों के ऊपर, तो बच्चे भी वैसे ही स्वभाव संस्कार के बनेंगे या स्वभाव संस्कार बदलेगा? क्या होगा? माँ बाप के संस्कार है, माँ बाप के संस्कार बच्चे को है। बच्चे तो नादान होते हैं, बच्चे तो बच्चा बुद्धि होते हैं। जो बच्चा बुद्धि बच्चे हैं उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है कि फैसला कर सके क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और माँ बाप तो समझदार होते हैं, यहाँ वेद में ये बात कैसे लागू होती है? है लौकिक दुनिया की तो बात समझ में आई, लेकिन ब्राह्मणों की अलौकिक दुनिया में शूटिंग हुए बगैर तो कुछ भी होता नहीं है। बेहद बड़ा ड्रामा तो तब बनेगा जब पहले रिहर्सल हो, शूटिंग हो ड्रामा की। तो यहाँ शूटिंग कैसे होती है? है प्रजापिता ब्रह्मा किसका टाइटल है? एक का टाइटल है या दो का टाइटल है? है प्रजापिता ब्रह्मा दो शब्द हैं या एक शब्द है? दो शब्द है। एक है सारी प्रजा का पिता, उसका अर्थ हुआ प्रजापिता, और एक शब्द है ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ। दो मालाएं हैं, एक है ब्रह्मा सो विष्णु की माला, एक है रुद्र माला। रुद्र माला है बाप की माला और विष्णु माला है माताओं की। ब्रह्मा सो विष्णु, तो ये वेद के प्रजापिता और ब्रह्मा कौन हुए? कौन सी आत्मा है जो वेद की प्रजापिता और ब्रह्मा है?
हर जगह प्रजापिता तो धर्म पिताए हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, उन्हें बेहद का तो नहीं कहेंगे। बेहद का प्रजापिता हुआ जिसमें शिव बाप मुकर्र रूप से प्रवेश करते हैं, तो फिर बेहद की माता कौन हुई? दादा लेखराज को तो नहीं कहेंगे जगदम्बा, जगदम्बा की तो पूजा होती है, और दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की तो पूजा नहीं होती है। तो जगदम्बा है बेहद का ब्रह्मा, परंतु जगदम्बा के संस्कार और प्रजापिता के संस्कार एक ही जैसे होंगे या अलग अलग होंगे? क्यों? क्योंकि एक है माला का फर्स्ट मणका और एक है लास्ट मणका, तो फर्स्ट और लास्ट में अंतर तो होगा। एक में ज्ञान सूर्य प्रवेश करता है, क्या नाम है जिसमें ज्ञान सूर्य प्रवेश करता है, उसका नाम क्या है? है प्रजापिता। और दूसरे में, दूसरे मणके में कौन प्रवेश करता है जो रुद्रमाला का लास्ट मणका है? ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, जिस ब्रह्मा में शिव ने ही प्रवेश किया था, परंतु दादा लेखराज ब्रह्मा में शिव ने प्रवेश किया तो सिर्फ सुनने सुनाने की बात हो गई। प्रवेश करके जो कुछ भी सुनाया वो सुनने सुनाने की बात हो गई या समझ में भी कुछ आया? है समझ में नहीं आया माने भक्ति मार्ग हो गया। दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा जो भी वाणी चलाई वो ऐसे हो गई जैसे आज की दुनिया में वेद, वेदों के सूत्रों को पढ़ते तो बहुत है, उच्चारण तो बहुत करते हैं, लेकिन अर्थ उनका क्या है सो कोई को पता ही नहीं, तालमेल क्या है सो कोई को पता नहीं। ऐसे ही दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश करके जो वाणी चलाई उसका अर्थ का कोई को ब्रह्मा कुमार को पता नहीं, आगा पीछा क्या है, तालमेल क्या है उन अर्थ महावाक्यों का, वो कोई नहीं जानता। सिर्फ इतना कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद वाणी निकली, वेद निकले, जिन्हें मुरलियां कहा जाता है, वो मुरली हो गई वेद। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, परंतु क्या वो ज्ञान है? क्यों नहीं ज्ञान है? समझ में किसी को नहीं आया। अगर समझ में किसी को बात नहीं आती है तो बात ही अज्ञान हो गई है। कोई ने कोई बात कही, कोई ने समझी और कोई ने नहीं समझी, तो जिन्होंने नहीं समझी उनके लिए वो बात का कोई अर्थ नहीं हुआ, और जिन्होंने समझी उनके लिए वो बात सार्थक हो गई। तो उस बात को सत्य कहें या असत्य कहें,
जिस बात को कोई ने समझा और कोई ने नहीं समझा, तो बात सत्य है या असत्य है? है? अगर एक को भी समझ में आ गई और ऐसी समझ में आ गई जो दूसरों को साफ को समझा सकता है, तो वो बात सत्य है या असत्य है? तो वेदवाणी भी सत्य है या असत्य है? है तो सत्य है। वेद माने ज्ञान, ज्ञान माने जानकारी, और सत्य की जानकारी है। परंतु जब तक बाप उस वेदवाणी को टीचर बन करके न समझावे, तब तक वो वाणी भी निरर्थक है। सार्थक तब बनती है जब बाप आकर के टीचर बनकर के समझाए। वो सुप्रीम टीचर है, सारी दुनिया को समझाने वाला टीचर है। उसको समझाने वाला दुनिया में कोई नहीं है, और वो सारी दुनिया को समझाने वाला है, लेकिन बिंदु रूप में है या साकार रूप में टीचर है? साकार बनकर के आता है। तो वेद के माँ बाप कौन हुए? है, है? वेद के मात पिता हुए प्रजापिता और जगदम्बा। वो ही जगदम्बा के संस्कार जब लक्ष्मी से मिलकर के एक होते हैं, तो दोनों ही मिलकर के जगत माता कही जाती है। आत्मा और शरीर का जैसे संबंध हो जाता है, तो आत्मा और शरीर दोनों दिखाई एक पड़ते हैं या दो दिखाई पड़ते हैं? इन आंखों से एक देखने में आते हैं, लेकिन अंदरूनी आंख से पता चलता है कि ये एक नहीं है, दो हैं। उन दोनों में दोनों सच्चे होते हैं या एक सच्चा होता है? एक सच्चा है और एक झूठा है। आत्मा सच्ची है और शरीर झूठा है। जगदम्बा लक्ष्मी जगदम्बा, एक जगदम्बा है सारे जगत की अम्बा, दोनों सब मिलकर मिला तो एक आत्मा एक, और एक लक्ष्मी है। तो जो झूठ है उससे झूठा ही काम होता है, और जब सच्चा है तो सच्चा ही काम होता है। लेकिन उसका प्रभाव बच्चों के ऊपर जरूर पड़ता है। और मुरली में आए हैं, विकारों के ऊपर विजय पाना, नहीं तो विकारों को दान देना। दान देना है, यहाँ तो विजय पालो, दान मत दो। दान कैसे देना बाबा? है दान कैसे देना? बीवी बाल बच्चों को अर्पण कर दो जिनसे तुम विकार भोगते हैं। अर्पण कर दोगे तो विकार भोगना बंद हो जाएगा। तो या तो दान दे दो, या फिर क्या करो? विकारों पर विजय पाओ। तो कौन सा सहज है? तो कौन सा सहज लगता है? है? दान करना सहज। दान करना सहज। सब छोड़ो छोड़ो छोड़ो। है? बाबा पूछे ना बाबा मुरली में। हाँ विजय, मेरे के दो कथा ऐसा समझ लिया है।
विकारांक दान जो कहते बोले ना हाँ भाव पेटे कहते मैं समझ गया। ये क्या कह रहे बाबा ऐसे बोलेगा तो मैं समझ लिया बाबा। बाबा ऐसे बोलेंगे तो समझ लिया बाबा को देना है विकारांक पैसा। हाँ हाँ विकारांक दान देंगे या दान नहीं देंगे, अगर नहीं देंगे तो फिर उनके ऊपर विजय प्राप्त करके दिखाओ। क्या करेंगे बड़ी भारी समस्या है, कोई के लिए बड़ी भारी समस्या है और कोई के लिए कोई खास समस्या नहीं, तो ये अंतर पड़ जाता है। जो पक्की देवता धर्म की आत्माएं हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं, और जो देवता धर्म के पक्के नहीं हैं, उनके लिए थोड़ी समस्या है। और भारत धर्म नहीं कर बोले ना बोला सन्यासी है भारत धर्म नहीं कर बोले है। फिर जार के चित्र में है रेटियस दिखाए ना बोला है रेटियस दिखाए ना तुमको सन्यासी धर्म हाँ भारत धर्म रेटियस तो दिखाया, लेकिन विदेशियों के प्रभाव में आ जाते हैं या नहीं आ जाते तो किसकी संतान हो गए, विदेशियों की संतान हो गए। प्रभावित माने प्रजा, प्रजा माने बच्चे, तो विदेशियों के बच्चे हो गए या स्वदेशियों के बच्चे हैं, विदेशियों के बच्चे हो गए। ज्ञान मार्ग में जो आत्माएं कलयुगी शूटिंग पूरी होने के बाद ज्ञान में आती है उनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, कलयुगी शूटिंग पूरी होने के बाद ज्ञान में आने वाली आत्माएं दो प्रकार की हैं। एक तो वो हैं जो यज्ञ के आदि में ही ज्ञान ले चुकी थी, और दूसरी वो है जिन्होंने आदि में ज्ञान नहीं लिया था। पहली बार इस कल्प में ईश्वरीय ज्ञान के संसर्ग में संपर्क में संबंध में आती है, तो प्रभाव भी अलग अलग हो जाएगा या एक जैसा प्रभाव होगा, अलग अलग प्रभाव हो जाएगा। और कोई ने पूछा है बाबा तो मुरली में बोलते हैं कि स्वतंत्र रहना है और स्वतंत्र करना है, क्या स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। फिर ब्राह्मणों की दुनिया में कोई कोई स्वतंत्र रहते हैं, है कोई ऐसे जो स्वतंत्र रहते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, है ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ऐसे हैं जो स्व माने आत्मा, तंत्र माने शासन, अपनी आत्मा के शासन में ही चलते हैं, दूसरी कोई भी आत्मा के शासन में नहीं चलते, ऐसे कोई ब्राह्मणों की दुनिया में है? अरे है या नहीं है?
है? ये तो कागज में लिख करके दिया गया, किससे पूछे, नाम तो लिखा नहीं। ब्राह्मणों की दुनिया में एक भी ऐसा नहीं है जो 100% पूरी स्वतंत्रता में रहे, किसी दूसरी आत्मा के संसर्ग संपर्क में आकर के भी परतंत्र न बने। आगे बोला है, ब्राह्मणों की दुनिया में कोई कोई स्वयं स्वतंत्र रहते हैं और दूसरों को स्वतंत्र रहने से रोक देते हैं, स्वतंत्र नहीं रहने देते। ये तो बड़ी चालाकी हो गई। क्या चालाकी हो गई? खुद स्वतंत्र रहना और दूसरों को बंधन में डालना। अब ऐसा प्रश्न पूछने वाला अपने को स्वतंत्र महसूस कर रहा है या बंधन में महसूस कर रहा है? है बंधन में महसूस कर रहा है, माना ईश्वरीय बंधन से बाहर जाना चाहता है। ईश्वर का बंधन बंधन कहे या जन्म जन्मांतर के लिए निर्बंधन होने का साधन है, तो वो स्वतंत्रता है या परतंत्रता है, क्या है? ईश्वर के बंधन में रहना सच्ची स्वतंत्रता है या परतंत्रता है? वही सच्ची स्वतंत्रता है। जो ईश्वर के बंधन से बाहर जाना चाहते हैं, ईश्वर उनको जबरदस्ती करके रखता है क्या? है? बलात्कार करके रखता है क्या? तो उनको स्वतंत्र हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? है? कोई रोक टोक है? ज्ञान को नहीं समझते हैं तो इस तरह के प्रश्न करते हैं। जिन्होंने ज्ञान को समझा है वो इस तरह के प्रश्न कभी नहीं करेंगे। इस्कॉन टेंपल कृष्ण का टेम्पल बनाया ना, कृष्ण का टेम्पल, कृष्ण का टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल का नाम रखे। कृष्ण वाली आत्मा कौन सी है? कृष्ण वाली कौन सी आत्मा है? अरे तुम्हें तो मालूम है, बताओ ना जल्दी। कृष्ण वाली कौन सी आत्मा है संगम में, ब्राह्मणों की दुनिया में? है कृष्ण वाली आत्मा कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा ज्यादा काम कान से करता है या दूसरे इंद्रिय से करता है? कान से करता है, तो इसका नाम क्या पड़ गया? इस्कॉन टेंपल। सुनते सुनाते तो बहुत हैं, लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं है। उनकी यादगार में ये धर्म चला है जिसको इस्कॉन कहते हैं। बाबा मुरली खत्म करने के पहले
आज मैया का भी याद प्यार आपने दिया। भैया मैया या भैया है? भैया है तो गलत सुन लिया। जिस समय की ये मुरली है उस समय मम्मा जीवित थी या शरीर छोड़ चुकी थी? जिंदा थी, लेकिन मुरली जहाँ चल रही थी वहाँ मौजूद नहीं थी, क्योंकि मम्मा भी सेवा करने के लिए बाहर शहरों में जाती थी। इसलिए बाबा को मुरली चलाते चलाते माँ की याद आ गई और बोला मैया का याद प्यार। कोई ने भैया समझ लिया। शिव बाबा सबका बाप है या भैया है? वो तो बाप है। एडवांस पार्टी को वरदान है कि परिवार में से एक भी ज्ञान में चलेंगे तो अंत में उनका पूरा परिवार चलेगा। लेकिन जो एक आत्मा ज्ञान में चलती है और उसका परिवार वालों से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो वो परिवार वाले ज्ञान में चलेंगे या नहीं चलेंगे? कनेक्शन हो या नहीं हो ये बात नहीं बोली। क्या बोला? कि जो एडवांस ज्ञान में चलने वाले हैं उनके परिवार वाले उनके कनेक्शन में हो अथवा न हो, वो सब ज्ञान में चलेंगे। कनेक्शन तो तुम्हारा रहा था ना, बिना कनेक्शन के पैदा हो गए क्या? बिना पालना के जिंदा हो क्या? तो जो पालना ली है, जो भाव स्वभाव संस्कार में बचपन में भरे हैं माँ बाप से, उनका अधूरा माँ बाप को जरूर मिलेगा। वो आत्माएं भी ज्ञान में आवेंगी। कनेक्शन में नहीं है तो भी जिंदा तो है ना, तो दुनिया में जहां कहीं भी होंगी उनको पता चलेगा कि मेरा बच्चा या मेरा संबंधी या मेरा भाई या मेरी बहन उस ईश्वरी ज्ञान में चलती है, जिस ईश्वरी ज्ञान में संसार में कितना नाम बाला हो रहा है। उनकी बुद्धि भी खींचेगी। कनेक्शन हो या ना हो वो स्वयं ही दौड़ करके ज्ञान में आ जाएगी। और एक भाई का प्रश्न है, एडवांस में आने के बाद बी के सेंटर वाले अपने सेंटर में आने के लिए बुला रहे हैं, उस सेंटर में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? वहां की टोली खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? क्योंकि बी के वालों को अब तक भी हमारे ज्ञान में आने का पता नहीं है। बताओ भाई, किसी को जवाब आ रहा है? है? जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? है? जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? है? कोई जवाब नहीं देंगे? अरे नहीं जाना चाहिए। लौकिक माँ बाप को छोड़ दिया था जब बी के ज्ञान में आए थे, तो लौकिक माँ बाप को छोड़ दिया था, सन्यासी बन गए थे क्या? घर बार छोड़ दिया था? है? जाते थे ना?
तो लौकिक को ज्यादा ध्यान दिया आपने या अलौकिक को ज्यादा ध्यान दिया? लौकिक वाले संबंधियों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया या अलौकिक वालों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया? है, लौकिक वालों को ज्यादा महत्व दिया ना, कि बीके में आने के बावजूद भी लौकिक वालों से मिलते जुलते रहे, आना जाना करते रहे, उनको छोड़ा नहीं। तो ये प्रश्न यहाँ क्यों पैदा होता है? ब्राह्मणों की अलौकिक दुनिया में ये प्रश्न क्यों पैदा हो जाता है कि बीके वालों के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, लौकिक वालों से मिलना चाहिए, लेकिन अलौकिक वालों से नहीं मिलना चाहिए। है, मिलना तो चाहिए, जैसे हम लौकिक वालों से मिलते जुलते रहे, उनको छोड़ा नहीं। है, छोड़ते नहीं, तो उनको ज्ञान सुनाते हैं जाकर। है, जैसे लौकिक वालों को छोड़ा नहीं, उनको भी ज्ञान सुनाया, ऐसे ही क्या करें कि हमको जो खुशी मिली है वो अलौकिक ब्राह्मण परिवार को अर्थात बीके वालों को भी जरूर सुनानी है। मिलने जुलने के लिए मना नहीं है, लेकिन अगर मिलने जुलने के बावजूद भी उनको ज्ञान नहीं सुनाते हैं तो पाप के भागी बनते हैं। क्या हमारा फर्ज है या नहीं है कि उनको सुनाए या न सुनाए? है, उन्होंने हमको खुशी दी, उन्होंने हमको हल्की खुशी दी और हमको बड़ी भारी खुशी मिल गई, तो भारी खुशी का हिस्सेदार उनको नहीं बनाना है? बनाना चाहिए कि नहीं? बनाना चाहिए। सुनते हैं तो क्या करेंगे? अगर तैयारी नहीं, सुनने के लिए नहीं तो क्या? शिव बाबा को 70 साल हो गए, 70 साल समझाते सुनाते हो गए, क्या हम सुनने समझने और धारण करने के लिए तैयार हैं? हैं तैयार? बोलो, हैं? हैं? अरे बोलो ना, हैं तैयार? धारण करने के लिए तैयार हैं? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ दिया? सुनने के लिए ट्राई कर रहे हैं लोग, ट्राई कर रहे हैं, छोड़ा नहीं है। तो यही बात है। दूसरी बात इन्होंने बोली, वहां की टोली खाना है या नहीं खाना है? है, अगर वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार हैं तो जरूर खाना है। सुनने के लिए, समझने के लिए, धारण करने के लिए तैयार हैं तो हमारे परिवार के हैं। हम अपने परिवार का भोजन नहीं खाएंगे तो कहाँ खाएंगे? और बिल्कुल तैयार नहीं है, सुनने के लिए ही तैयार नहीं है, कान में उंगली दे लेते हैं, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तो कान में उंगली देने वाले कौन से धर्म के होते हैं? वो तो इस्लाम धर्म के मुसलमानों के यहाँ खाना खाओगे, खाओगे या नहीं खाओगे? हम मुसलमानों के यहाँ थोड़ा ही खाना खाएंगे। और अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानी बनाए हैं।
भागवत बताते हैं मक्खन चुराया है, मक्खन चुराना है, गोपियों को भगाना है, ये सब कहानी है पंजाबी कथा है। कृष्ण वाली आत्मा उनको ये प्रैक्टिकल में भागवत होती है। ब्रह्मा कुमारियां भागेंगी या नहीं भागेंगी? तब आवाज निकलेगी दुनिया में, नहीं निकलेगी है? भागेंगी और आवाज भी निकलेगी। ब्राह्मणों की दुनिया में भी आवाज निकलेगी और बाहर की दुनिया में भी आवाज निकलेगी। तो ब्रह्मा कुमारियों के अंदर पहली आत्मा कौन है जो भाग करके हमेशा के लिए इधर आ जाएगी, गुलजार दादी में नहीं जाएगी? कौन है? ब्रह्मा की सोल। तो प्रैक्टिकल में भागवत बनाने वाली कौन हुई है? ब्रह्मा की सोल। हम तो सिर्फ आवाहन करने वाले हैं, ब्रह्मा की सोल तो प्रैक्टिकल करने वाली है। उनके प्रैक्टिकल करने का हमारे ऊपर असर होगा, दुनिया के ऊपर असर होगा। तो ऐसे ही शास्त्र सुनाने वाले अलग होते हैं मुख से, और लिखने वाले गणेश जी अलग होते हैं। लोगों की बुद्धि में ये बात बैठी हुई है क्या? क्या कि धर्म की स्थापना करने वाले अलग और शास्त्र बनाने वाले अलग होते हैं? ये दुनिया वालों की बुद्धि में नहीं है, हमारी बुद्धि में है। तो वास्तव में कृष्ण के रूप में जो भागवत कथा बनाने वाला है वो कौन है? जो इंस्पिरेट करने वाला है वो भागवत बनाने वाला है, जो इंस्पिरेशन में आकर के प्रैक्टिकल करने वाला है वो भागवत कथा बनाने वाला है? शंकर ने विनाश किया, शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, तो शंकर द्वारा इंस्पिरेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है विनाश की, और विनाश करने वाले दूसरे होते हैं। कन्या माता निमित्त बनती है, शक्तियां निमित्त बनती हैं असुर संहारिणी बनने के लिए, तो किसके लिए कहा जाए कि वास्तव में विनाश करने वाला कौन है? है प्रैक्टिकल में विनाश करने वाली शक्तियां हैं, लेकिन उन शक्तियों को प्रेरणा देने वाला शंकर है। जैसे कोई राजा ही होती है, राजा बैठा हुआ है, फैसला करता है इस आदमी को सूली पर चढ़ा दिया जाए, उसने इशारा दे दिया ले जाओ, तो राजा तो प्रेरक है, लेकिन क्या वो सूली पे चढ़ाता है? है कौन चढ़ाता है? चंडाल सूली पे चढ़ा देता है। तो एक है प्रैक्टिकल कर्म करने वाला और दूसरा है इंस्पिरेट करने वाला। दोनों के मिलकर के कार्य करने से कार्य संपन्न होता है। चांडाल को तो इतनी अकल ही नहीं है कि वो फैसला करे,
कौन राइट है कौन रंग है। चांडाल सूदी पर तो चढ़ा देगा, राजा सूली पे नहीं चढ़ाएगा, हत्या नहीं करेगा। चांडाल इंस्पिरेट नहीं करेगा और राजा इंस्पिरेट करता है, ये अंतर पड़ता है। असली गीता का भगवान कौन? कृष्ण लेने वाला है या देने वाला है? है वो इंस्पिरेशन लेने वाला है, प्रैक्टिकल में देने वाला कोई दूसरा है। और कुछ? ओम शांति। बड़ी माँ का ये तुमने कैसे जान लिया? बाबा के वाक्य को मानोगे? मानेंगे। तो तुमने किससे कहा, बड़ी माँ से कहा या छोटी माँ से कहा? अरे वो तो बड़ी माँ के लिए लागू होगा करके अभी बोल रहे थे। हाँ वो बड़ी माँ के लिए लागू होता है। वो कैसे करके? अरे तुमसे किससे कहा जाए? तुमसे, तुमको, तुम किसको कहा जाएगा? तो तन्मुख में बड़ी माँ है या छोटी माँ है? तो बड़ी माँ के लिए बोला गया। तुम्हारा जन्म भी हुआ, उसका जन्म थोड़े ही, उनका जन्म थोड़े ही, वो तो चंद्रवंशी है। बाप सूर्यवंशियों को पढ़ाने आए हैं या चंद्रवंशियों को पढ़ाने आए? सूर्यवंशियों को पढ़ाने आए। तुम बच्चे फिर औरों को पढ़ावेंगे, और धर्म वाले हम किससे पढ़ेंगे? बाबा इस समय जीवित थी क्या? है कौन? बड़ी माँ। दोनों माताएं थी नहीं यज्ञ में? फिर क्या बात? 43 में जन्म हुआ था। है 43 में? हाँ जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, जरूर बड़ी माँ ने शरीर छोड़ा होगा। जब पाकिस्तान बना तब गंगा की नदी पुष्कर नदी का ढूंढते थे आप? गंगा सफल हो जाता है। एक नदी है उसका नाम रखा है पुष्य करणी नदी। क्या करणी? धक्का मारती है, जब धक्का लगता है तो पुरुषार्थ तीखा हो जाता है। तो कौन सी नदी है? अरे कोई नदी है जो धक्का मारती है तो पुरुषार्थ तीखा होता है। अभी इतना मुसीबत है अमृत वेला होता ही नहीं, जिससे पूछो अमृत वेला का डब्बा गोल, फिर वो धक्का मारेगी तब सबका पुरुषार्थ तीखा होने लगेगा। तो कौन सी नदी है जो धक्का मारने वाली है?
पुष्करण ही है। अरे धक्का लग करके, धक्का मार करके हम पुरुषार्थ में आगे बढ़े वो अच्छा, या भगवान से ज्ञान लेकर खुद ब खुद आगे बढ़े वो अच्छा, खुद ब खुद ज्ञान में आगे बढ़े वो अच्छा है। तो एक ही नदी, जब सतो प्रधान है तो दुर्गा कही जाती है, दुर्गुणों को दूर करने वाली है, कोई दूसरी नदी तो है नहीं, कोई सरस्वती नदी, कोई जगदम्बा, कोई फिर महाकाली बनती है, तो धक्का मारने वाली कौन सी है, है? कौन सी हुई है? धक्का खाना अच्छी बात है या खराब बात है? खराब बात है। धक्का क्यों खाना है? तो गंगा थोड़े ही धक्का मारने वाली है। गंगा के जन्म होता जन्म सफल हो जाता है गंगा का जन्म। पुष्करणी नदी का बता रहा है, गंगा का वो बोल रहा है। हाँ वो तीनों नदियाँ इकट्ठी तो निकलती है, गंगा यमुना सरस्वती, यमुना माने काली नदी, इसकी मिट्टी चिकनी है चिपक जाती है वो तो कहते हैं यमुना नदी। समस्याओं का जड़ चंदे हनुमान। हाँ जी, चंदे हनुमान को समझ में क्या प्रावधान है? चंदे हनुमान को समझना आसान नहीं है। हनुमान को समझना आसान नहीं है? अरे आत्मा को समझ लिया तो हनुमान को भी समझ लिया। अगर याद है कि मैं आत्मा स्टार हूँ, देह नहीं हूँ, देह याद ना आए आत्मा याद आए, भले व्यवहार में आओ कुछ भी आओ प्रैक्टिस पड़ जाएगी तो प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी या कच्ची रह जाएगी, कर्म करते ही तो प्रैक्टिस करनी है। बैठ करके पुरुषार्थ किया वो तो सन्यासियों का पुरुषार्थ हो गया, हमारा तो कर्म योगी बना है या कर्म छोड़ करके पुरुषार्थ करना है। कर्मयोगी बना है, भले अनेक रूप हो, आत्मा अभिमान का एक ही रूप है बिंदी, उसमें भी देहाभिमान है, देहाभिमान है आत्मा में, देहान आता है उसको भगो कैसे जाने, बिंदी भूल गई माने देवान आ गया। अरे अगर ये बिंदी भूल गई तो देवान आ गया, दुनियादारी में इधर उधर बुद्धि चली गई, जहाँ बुद्धि चली गई वो स्थूल याद आ रहा है, सूक्ष्म आत्मा भूल गई। व्यवहार में भी आते समय प्रैक्टिस करनी है, बैठ करके प्रैक्टिस करना ये तो सन्यासियों का काम है, योगियों का काम है। अभी मुरली में कहा है भारत, अभी मुरली में कहा है मुरली को पकड़ो, अभी जो मुरली में लेना उसमें कहा है भारत अभी कंगाल है, भारत अभी कंगाल, भारत अभी कंगाल है, भारत अभी कंगाल है। जड़ भारत की बात बोल रही है, जड़ भारत की बात बोल रही है, चैतन्य भारत की बात, दोनों की बात है, न शिव की प्रवेशता है न भारत की। ओ शिव बाबा जो आकर के हैं वो पतित में प्रवेश करते हैं या पावन में प्रवेश करते हैं, पत्थर बुद्धि में प्रवेश करते हैं या पारस बुद्धि में प्रवेश करते हैं, दस नहीं बाबा किस समय प्रवेश करते हैं बाबा, वो तो 36 की बात है, वो 36 की बात है, अभी की बात नहीं है, अभी भी कैसे हो सकती है। अच्छा अभी पावन में प्रवेश करते हैं, भाषा बदल गई, अभी तो पावन बन चुका है, पावन बन चुका है। अच्छा पूजा करो, तो कहा है क्या कहा है, नारायण को याद करना सब कुछ है। अब नारायण को याद करना वो नारायण जब बने तब नारायण की बात है या अभी बन गया, नारायण तो पूछ रहे थे ना बाबा,
अभी संकल्पों के आधार पर बना है, बौद्धिक आधार पर बना है या प्रैक्टिकल में बन गया? निरंतर मनुमान निरंतर है। अरे प्रैक्टिकल नारायण को याद करना है या जो इम्प्रैक्टिकल है उसको याद करना है? कौन से नारायण को याद करना है? प्रैक्टिकल जीवन वाले नारायण को याद करना है। ये प्रैक्टिकल जीवन कहा जाएगा या नारियल कहा जाएगा? ये रियल है या प्रैक्टिकल है या इम्प्रैक्टिकल है, अनरियल है? अरे अनरियल है तो ये लड़के को पकड़ो ना। नारायण को हाँ हाँ तो उसकी पूछा हटा दो ना। नहीं पूछे होती है, नारियल को भी पूछे होती है, और पूछो को हटा दो तो खोपड़ा खोपड़ा रह जाएगा। खोपड़े को भी तोड़ना पड़ेगा कि नहीं है? तोड़ना पड़ेगा था, परिवर्तन हो जाएगा। जब बम फटता है तो क्या होता है? धार होता है, धार हुआ और परिवर्तन हुआ।